So students, what we have learned that for immediate reactivity of metals, immediate result and immediate observation of metals, we have to react the metals with the salt solution of other metals. एक metal को दूसरे metal के salt के solution से अगर आप react करेंगे, ठीक है, एक है metal A, जैसे कि sodium है, दूसरा है metal B, जैसे कि zinc है. सोडियम में एक मेटल है, जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है. जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसमें अगर सोडियम को रिएक्ट करेंगे तो इमीडिएट रिजल्ट आएगा. इससे हमें ये मालूम होगा कि कौन सा मेटल इमीडिएट रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लेजी है. विच मेटल कॉपर और आयरन is more reactive according to your observation in activity 3.1. तो बच्चों यहाँ पे हम 3.2.5 section में देख सकते हैं, तो reactive series है. यहाँ पे decreasing manner में metals arrange किए हुए हैं कि कौन सा metal जल्दी react करता है, कौन सा metal बहुत slow react करता है. The reactivity series यहाँ पे दी गई है. ये जो series है, ये सारे मेटल्स की सीरीज है. इट इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन ऑर्डर टू देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले पोटेशियम है. ये पोटेशियम ऐसा मेटल है जो इमीडिएट रिएक्ट करता है, चाहे वाटर में हो, चाहे एसिड में हो, या फिर चाहे सॉल्ट सोल्यूशन में हो. ये पोटेशियम इमीडिएट रिएक्ट करता है. उसके बाद नंबर आता है सोडियम का, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद अल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, फॉलोड बाय लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद मर्क्यूरी, इसके बाद सिल्वर एंड उसके बाद गोल्ड. सबसे कम रिएक्ट करने वाला मेटल गोल्ड है. गोल्ड के बाद सबसे कम रिएक्ट करने वाला मेटल सिल्वर है. सिल्वर के बाद सबसे कम रिएक्ट करने वाला और सबसे स्लो रिएक्शन देने वाला मेटल मर्क्यूरी है. और सबसे फास्ट रिएक्शन देने वाला और सबसे टॉप लेवल के मेटल कौन सा है? पोटेशियम मेटल है, जो इमीडिएट रिएक्शन देता है, सबसे फास्ट और सबसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है. राइट, नाउ लेट अस मूव टू द टॉप मेन टॉपिक. नेक्स्ट मेन टॉपिक, हाउ डस मेटल एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट. अब तक हमने देखा कि मेटल्स को ऑक्सीजन से, वाटर से, एसिड से रिएक्ट करें तो क्या होगा, और हमने अब तक देखा कि नॉन मेटल्स को ऑक्सीजन से और वाटर से और एसिड से रिएक्ट करें तो क्या होगा. अब देखेंगे मेटल्स को नॉन मेटल से रिएक्ट करने से हमें क्या रिजल्ट आता है. तो बच्चों अब तक हमने देखा कि मेटल्स के रिएक्शंस अलग अलग चीजों से. व्हाई डू मेटल रिएक्ट इन दिस मैनर? सवाल ये पैदा होता है कि मेटल इस तरह रिएक्शंस क्यों देते हैं. ठीक है, ऑक्साइड बन रहे हैं और हाइड्रोजन बबल्स निकल रहे हैं, या फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है. ये इस तरह के रिएक्शंस आते क्यों हैं, इसकी वजह क्या है? बच्चों बात असल ये है कि एवरी मेटल इज मेड अप ऑफ एटम्स. ठीक है, एटम इज एन बेसिक एलिमेंट एंड एटम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन कंबाइन टू बिकम द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, हर मेटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, हर इलेक्ट्रॉन का उसका खुद का एक एक्सिस है, एक बाउंड्री है, जिस पर वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अतराफ रिवॉल्व होता है, न्यूक्लियस के अराउंड. जो जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स है, मार्स अपने बाउंड्री में सन के अतराफ रिवॉल्व होता है, मून हमारे अर्थ के अतराफ, हमारे जमीन के अतराफ रिवॉल्व होता है. ठीक है, इसी तरह जैसे कि सारे प्लैनेट्स सूरज के अतराफ अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं, अपना ईयर कंप्लीट करते हैं, तो ये अपनी बाउंड्री को छोड़कर दूसरे बाउंड्री में रिवॉल्व नहीं होते. मार्स है, जुपिटर है, वीनस है, अर्थ है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपट्यून है, सारे प्लैनेट्स अपने एक्सिस में ही रिवॉल्व होते हैं. इसी तरह एटम के अंदर न्यूक्लियस सूरज का काम करता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अतराफ प्लैनेट्स की तरह घूमते हैं, राउंड घूमते हैं.
और एवरी इलेक्ट्रॉन का खुद का एक दायरा है, उस दायरे के बाहर वो इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता, अपने ही बाउंड्री पे वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होता है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बहुत करीब है वो स्ट्रांगली बाउंड होता है, यानी न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत स्ट्रांग होता है। उसके जरा दूर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उसमें जरा स्ट्रांग में थोड़ी कम होती है, उसके बाद वाले इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहा है उसमें अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ थोड़ा कम होता है, उसके बाद वाले इलेक्ट्रॉन उसके बाद वाले एक्सिस में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उसके और न्यूक्लियस के बीच में थोड़ा सा मैग्नेटिक फोर्स कम रहता है, लास्ट बाउंड्री में लास्ट एक्सिस में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है उसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब ये कि कोई भी दूसरा एलिमेंट आकर उसे लेके चले जा सकता है। यही वजह से जब मेटल वाटर में रिएक्ट हुआ तो मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वाटर के ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट होकर ऑक्साइड बना था और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ था। और यही वजह था कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब मेटल को जलाया गया तो इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्सिस को छोड़कर ऑक्सीजन से जा मिले और ऑक्साइड बन गए थे। गॉट द पॉइंट बच्चों, समझ में आ रहा? तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड क्रिएट होता है। वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं जो न्यूक्लियस के करीब है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के दूर है। फॉर एग्जाम्पल, अब सूरज से सबसे करीब कौन सा प्लैनेट है? मार्स या वीनस। तो सबसे ज्यादा गर्मी सूरज की किसको लगेगी? मार्स या वीनस को लगेगी। सूरज से सबसे दूर प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर और नेपट्यून। तो सबसे ठंडा और सूरज की गर्मी सबसे कम किसको लगेगी? नेपट्यून और जुपिटर को। तो जो ही जैसे जैसे सूरज से दूरी बढ़ती जाएगी सूरज की गर्मी कम होती जाएगी, यानी सूरज का पावर कम होता जाएगा। इसी तरह एटम के अंदर न्यूक्लियस के करीब जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है वो सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड महसूस करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बहुत दूर आखिरी लेवल में आखिरी एक्सिस में रिवॉल्व हो रहा है उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ बहुत कम रहेगा। वो अट्रैक्शन कम रहने से वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं रहने की वजह से दूसरे मेटल का जो एलिमेंट है उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसे कैचअप कर लेगा, राइट। वहां पे जो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है वो वैकेंसी इस इलेक्ट्रॉन जाके फिलअप कर लेगा। इस वजह से ये रिएक्शंस की वजह से मेटल्स ऑक्साइड बनते हैं, हाइड्रोक्साइड बनते हैं और रिएक्शंस होता है। गॉट द पॉइंट? ये वैलेंसी की वजह से ये और यही वजह है कि केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस। इसी की वजह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। वी लर्न दैट नोबल गैसेस विच हैव ए कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल, नोबल गैसेस जैसे सच एज एग्जांपल आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, ये वो एलिमेंट्स है जिसमें वैलेंस शेल होता ही नहीं। मतलब ये कि इनका न्यूक्लियस इतना स्ट्रांग होता है कि उनके अतराफ रिवॉल्व हो रहे सारे इलेक्ट्रॉन्स को मजबूती से पकड़ता है, आखिरी लेवल के आखिरी एक्सिस में घूम रहे इलेक्ट्रॉन को भी वो बहुत स्ट्रांगली बाउंडेड रहता है। तो इस वजह से न्यूक्लियस नोबल गैसेस दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट उतनी जल्दी नहीं करते, इसीलिए इसमें केमिकल रिएक्शंस बहुत कम होते हैं नोबल गैसेस में। आर्गन है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, जैसे कि इस तरह के गैसेस में केमिकल रिएक्शंस इसलिए कम होते हैं क्योंकि इनके अंदर वैलेंस शेल बहुत कम होते हैं, यानी एक्सिस एम्प्टी नहीं होते। फॉर एग्जांपल, ये आपके क्लास में 10 बेंचेस है, 10 बेंचेस के पूरे 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 के पूरे 10 बेंचेस फुल है तो आप क्या कहेंगे? क्लास में स्ट्रेंथ फुल है। आधे बेंचेस खाली और आधे बेंचेस फुल है तो आप क्या कहेंगे? हाफ क्लास इज वैकेंट। इसी तरह कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके आखिरी शेल्स खाली होते हैं, लेकिन नोबल गैसेस के एलिमेंट्स वो हैं जिसमें वो नोबल गैसेस एलिमेंट्स के एटम्स वो एटम्स हैं जिसमें वैलेंस शेल फिल खाली होता ही नहीं, वो उसकी उनकी क्लास में इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रेंथ फुल होती है, उनकी क्लास में इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रेंथ फुल होती है। कोई भी शेल वैलेंट नहीं होता, हर शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है। इसी वजह से नोबल गैसेस जो है दूसरे केमिकल से बहुत
आहिस्ता रिएक्ट